अपन ने सरदार भाई ने उंदा ने में हाँ अपन ने 50 दाना डालिया था, हाँ तो आज अपने में दाना गिनना है हाँ कि ठीक कितना होया, कितना हाँ निकलिया कितना नहीं निकलिया है ना। हाँ तो 1, 2, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, छब्बीस 32, 33, छब्बीस 34, छब्बीस 35, पैंतीस और अपन डालिया था कितना, 50 दाना, पचास। उनमें से अपना 35 दाना निकले हैं। हाँ तो अपने पतो लग गयो हाँ बोनी से पहले ही ठीक कि अपनी सोयाबीन में मिस्टेक है। मिस्टेक है। अगर तुम अंकुरने की क्षमता जांच नहीं करता हाँ और नहीं के डायरेक्ट खेत में बोई देता, तो ठीक कहीं होता हो कि सोयाबीन तुम्हारी निकलती छिद्दी, सीधी। फिर तुम्हारे मजा नहीं आता ओके हाँ कि यार सोयाबीन तो छिद्दी निकली, सीधी तो निकली फिर ओके वापस तोड़नी पड़ती, तोड़नी पड़ती। तोड़नी पड़ती नहीं, और जितना बीज तो गयो और हाँ वापस दूसरा बीज तुम्हारे उत्तो ही बीज वापस बोना पड़ता। बोना तो पड़ता अपने यो फायदा हो गया उगने की क्षमता की जाँच करने से कि अपनी जो सोयाबीन है है। हाँ उनमें से अपने 35 ही दाना निकले हैं, हाँ और अपने 1 बीघा का पाछे कितना सोयाबीन बहुत हम 20 किलो। 20 किलो बो, तो अपना 35 दाना निकले, तो अपना कहीं तो कि अगर 50 दाना में 40 से 45 निकले तो अपना बीज अच्छो है, हाँ 30 से 35 निकले तो अपने 5 किलो बढ़ाना पड़े। बढ़ाना पड़ेगा। तो तुम 20 किलो बो 1 बीघा में, तो 5 किलो बढ़ाओगे तो कितना बोगा, हाँ 25 हजार 25 किलो तुम्हारे 1 बीघा का पाछे बोना पड़ेगा। यह सभी किसान के संदेश है कि जो भी बीज बोए ओके उसका पहला उगने की क्षमता अपने जांच कर लेना चाहिए, जिससे कि होने वाला नुकसान से किसान भाई बच ही सकते हो। जैसे कि सरदार भाई ने जो उगने की क्षमता जांच कर ली, उससे पता लगे कि उनका सोयाबीन में से 35 ही दाना निकलिया, जो सरदार भाई के अगर बीज की उगने की क्षमता जांच नहीं करते तो उसे नुकसान हो जाता। आप सरदार भाई ने उगने की क्षमता जांच कर ली, तो उसका नुकसान से सरदार भाई बच ही सकते हो, बच गयो है। ठीक बहुत है। सारी ऐसी छोटी छोटी जानकारी है हाँ उसके किसान नहीं करे और हाँ वैसे ही छोड़ दे, तो हाँ बाद में कई दिक्कत हो उसको बहुत बड़ा नुकसान होकर उठाना पड़े, उठाना पड़े। है ना। अगर अगर तुम भी बीज के उगने की क्षमता जांच नहीं करता, तुम्हारे भी दिक्कत होती बाद दिक्कत में। आती सामने। तो यह उगने की क्षमता जांच कर ली हाँ तो बहुत अच्छा रही बहुत अपना। अच्छे भैया, तुमने इतनी जानकारी दी इसलिए धन्यवाद। धन्यवाद, तुमने भी समय दिए, कल ही हाँ तुम्हारे भी धन्यवाद है जी। धन्यवाद। ध्यान रख जो अपना ना 50 दाना नहा किया ओका मत, अगर 40 से 45 दाना निकलिया तो वो बीज अच्छो छे, अपना को कवाई लेना चाहिए। कदी 50 मासी 30 से 35 दाना निकलिया तो अपना के 5 किलो बीज 1 बीघा पाचे बड़ाई न वावनो चाहिए। अन कदी 50 दाना मासी 30 दाना ती कम निकलिया तो वो बीज खराब छे, ओकी वावणी नहीं करनो चाहिए।